we were talking about the D and F block elements, class 12 chapter. In the last video, we saw the configuration, electronic configuration of transition elements, D block elements. आपने उसको शेयर किया होगा, लाइक जरूर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा. नहीं किया हो तो प्लीज करें, सब्सक्राइब करें फटाफट, लाइक करें. Now, why the D block elements are called transition element? D block element वो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि last electron D subshell में रहता है. Why they will call transition element? Because their property will transit between the S and P block. जैसे for example, S block के element बड़े size के होते हैं. In a period, left to right when we go, and the P block elements are smallest in size, except noble gases. In between आए D block elements, उनका size न कम न ज्यादा, medium होता है. So हम कहते हैं all the properties of the transition element transit between S and P block. There is one another definition, very important definition. Those D block element have unpaired electron in D subshell in their atomic or ionic state. सारे वो D block elements जो अपने atomic form में unpaired electron रखे या ionic form में unpaired electron रखे, दोनों में से किसी एक form में भी अगर वो रखेंगे तो हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे. अगर डी ब्लॉक के किसी एलिमेंट में एटम में भी अनपेड नहीं है डी सबशेल में और आयन में भी नहीं है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहलाएंगे. तो यहां एक क्वेश्चन बन गया, जिंक कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई? You can write the configuration of zinc and zinc ion as we have done in the last lecture. According to the general configuration NS2N-1 D1-10, atomic number of zinc is 30, so the configuration will be 3D10 4S2. तो आप देख सकते हैं डी में कहीं भी अनपेयर्ड नहीं है. अगर इसका आयन बना के देखें, Zn+2 आयन बनाए तो ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे. स्टिल हियर विल बी 3D10 एंड यू विल सी अभी भी वहां कोई भी अनपेयर्ड नहीं है. तो न तो एटम में अनपेयर्ड है न आयन में अनपेयर्ड है. इसलिए जिंक कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक और आयनिक स्टेट. आप कहेंगे सर कॉपर है, कॉपर में भी नहीं है डी में अनपेयर्ड, तो कॉपर के एटम में नहीं है. कॉपर इज हैविंग कॉन्फिगरेशन 3D10 4S1. इफ यू विल मेक द आयन ऑफ कॉपर Copper+2, तो दो इलेक्ट्रॉन हटाइए, एक 4s में से एक 3d में से, आ गया 3d9. नाउ यू कैन सी देयर इज वन अनपेयर्ड, अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया. ड्यू टू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉपर आयन, कॉपर इज ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. For example, if we discuss size, size is very important. As a general trend in periodic table, when we go from left to right, size decreases. Size decrease होता है. क्यों होता है? क्योंकि number of proton बढ़ते रहते हैं. Nuclear charge भी कहते हैं number of proton को.
एज ए रिजल्ट शेल वही रहती है तो साइज डिक्रीज होता रहता है. बट इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इफ यू विल टॉक अबाउट द साइज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट इज रिमेन नियरली सेम व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट मीन व्हेन वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक साइज रिमेन्स नियरली सेम. How we can understand it? First of all, we will see electrons are filled in increasing order of energy, said in Ogbon's rule. Ogbon's rule में यही बताया गया. As we go from left, if we want to fill the electron, electrons will fill in increasing order of energy. यानी कि electron पहले 1s में आएगा, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s में. 3p से 4s में, then after the 3d will fill, यानी कि 4s में दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ चुके होंगे बिफोर द फिलिंग ऑफ 3d. तो साइज को समझने के लिए, साइज सेम रहता है इस बात को डिस्कस करने के लिए, सबसे पहले जरा शील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. 4s में दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ गए. नाउ द इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन 3d. जैसे स्कैंडियम में 3d1, टाइटेनियम में 3d2, वैनेडियम में 3d3. सो व्हाट विल हैपन, द इनर 3d इलेक्ट्रॉन रिपेल आउटर 4s इलेक्ट्रॉन. अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को रिपेल करेंगे एंड रिजल्ट क्या होगा, साइज इंक्रीज करने होने की कोशिश कर सकते. तो व्हेन इनर इलेक्ट्रॉन रिपेल, इनर 3d इलेक्ट्रॉन रिपेल आउटर 4s इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट. तो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. स्क्रीनिंग इफेक्ट विल ट्राई टू इंक्रीज द साइज. न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल ट्राई टू डिक्रीज द साइज. दोनों इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, जैसे टैग ऑफ वॉर की कंडीशन होती है. तो शील्डिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस इच अदर अप टू 85% तक बैलेंस कर लेते हैं. सो द साइज रिमेन्स सेम. शील्डिंग इफेक्ट साइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज को घटाने की कोशिश कर रहा है, और लगभग 85% तक दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. दैट्स व्हाई द साइज विल रिमेन सेम. नाउ वी विल टॉक अबाउट द अलॉयज. हमने 10th में भी पढ़ा, अलॉयज आर द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. ओनली मेटल माइंडेड, नॉट नॉन मेटल. होमोजीनियस मतलब बिल्कुल होमोजीनियसली वो सॉल्यूशन फॉर्म में बनते हैं. सो व्हेन दे विल फॉर्म अलॉय ड्यू टू द नियरली सेम साइज, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. अगर सेम साइज होगा तो ही होमोजीनियस मिक्सचर बन पाएगा, क्योंकि तभी तो वो एक दूसरे को रिप्लेस कर पाएंगे. तो ड्यू टू सिमिलर साइज दे कैन रिप्लेस ईच अदर, दे कैन फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर. दैट्स व्हाई द अलॉयज आर फॉर्म. ये बात अलग है, कभी हम कुछ प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए, अलॉयज की प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए ट्रेसेस में नॉन मेटल डालते हैं, बट ऐसा नहीं है हाई परसेंटेज में नॉन मेटल हो. नो, फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज मेडअप ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज इज मेडअप ऑफ कॉपर एंड टिन. द थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो फॉर्म इंटरस्टीशियल कंपाउंड. सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोनों करो जल्दी से फटाफट. शाबाश, वेरी नाइस. कहना मानते हैं करते हैं.
थर्ड प्रॉपर्टी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फर्स्ट हमने देखी द साइज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर नियरली सेम व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस ईच अदर अप टू 85% और ड्यू टू सिमिलर साइज दे कैन फॉर्म अलॉय दे कैन फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। थर्ड प्रॉपर्टी इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स? व्हेन यू विल सी अ मेटल इन मेटल्स इन बिटवीन द एटम्स वॉइड्स आर प्रेजेंट और इंटरस्टिशियल स्पेसेस आर प्रेजेंट। एटम्स के बीच में जो खाली जगह है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे वॉइड्स बोलेंगे। तो इन मेटल एटम्स के बीच में जब छोटे साइज के एलिमेंट्स चले जाते हैं जैसे कार्बन है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है पी ब्लॉक के एलिमेंट छोटे साइज के होंगे। सो व्हेन स्मॉल साइज एलिमेंट्स लाइक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर एंटरिंग इंटरस्टिशियल स्पेसेस फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में तो छोटे साइज के जा सकते हैं जैसे स्टील। स्टील कैसे बना? आयरन के एटम्स के बीच में जो स्पेस रहा उनमें कार्बन चला गया और चूंकि कार्बन चला गया इसलिए वो कार्बाइड्स कहलाए। कार्बन की वजह से कार्बाइड्स कहलाए। अगर ऑक्सीजन चला जाता तो ऑक्साइड कहलाते नाइट्रोजन चला जाता तो नाइट्राइड्स कहलाते। जैसे आयरन ऑक्साइड फेरिक फेरस ऑक्साइड की बात करते हैं तो आयरन के बीच में ऑक्सीजन चला जाता है। कलर की बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट खुद उनके आयंस उनके कंपाउंड्स ऑल आर कलर्ड। कैसे होते हैं कलर्ड? व्हाई देर आर कलर्ड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी देखा हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है कौन जैसे कॉपर में है जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज होता है KMnO4 पर्पल होता है। सो इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो दे कैन गो इन डीबी ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल से डी में गया वापस डी में आया और जो भी लाइट एनर्जी एमिट हुई उसकी जो भी वेवलेंथ होगी उस एनर्जी की जो भी वेवलेंथ होगी वो कलर हमको दिखाई देता है। ये डीबी ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स जब कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं तो ड्यू टू लाइगेंड्स ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लाइगेंड्स क्या होते हैं इसकी चर्चा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है उसमें करेंगे। दे स्प्लिट अप इनटू टू पार्ट। जो ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस है उनकी एनर्जी कम तीन की एनर्जी कम जो ऑन द एक्सिस है उनकी एनर्जी ज्यादा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है वो लोअर एनर्जी में आएगा। हमेशा हर चीज लोअर एनर्जी में रहना पसंद करती है। तो लो यहां से डी ऑर्बिटल से डी में गया वापस डी में आया इसलिए इस ट्रांजिशन को डीबी ट्रांजिशन कहा गया। और जब हायर एनर्जी से लोअर में आएगा जो भी लाइट एमिट होगी जो भी एनर्जी एमिट होगी उसकी जो भी वेवलेंथ होगी वो कलर हमको दिखाई देगा। एज वी कैन सी द विजिबल रीजन ओनली सो विजिबल रीजन की ही लाइट निकलेगी और वही कलर हमको दिखाई देगा।